रोलिंग स्टेज में होता है और उनकी हाइट और वेट है वो लगातार तेजी से बढ़ते जाते हैं। तो इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज दे, दे का मतलब टीनेजर, बिकॉज दे आर इन ए हाई ग्रोइंग स्टेज, क्योंकि वो व्यक्ति भी तेज में होते हैं एंड दियर हाइट एंड वेट इंक्रीज रैपिडली, और उनकी हाइट और उनका वेट तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे फोर का, बिकॉज दे आर इन ए हाई ग्रोइंग स्टेज दियर हाइट एंड वेट इंक्रीज रैपिडली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। आपको बैलेंस्ड डाइट की थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बतानी है। देखिए वैसे तो बैलेंस्ड डाइट के सेवन एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी आपको थ्री ही पूछा है तो आपको बस थ्री ही लिखना है। तो कौन कौन से हो जाएंगे वो, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट की थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आप क्या क्या लिखेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। आप इसको पॉइंट्स में बना के भी लिख सकते हैं, बैलेंस डाइट कंटेंट विटामिन्स, थिक कंटेंट मिनरल्स, थिक कंटेंट वाटर। ठीक है, अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन। आपको बताना है मेल न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट, और आपको बताना है कि मेल न्यूट्रिशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है। देखिए मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन को अपन थ्री टाइप से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे खाने में किसी एक न्यूट्रिशन को जरूरत से ज़्यादा लेना या फिर बहुत कम लेना या फिर लेना ही नहीं, ये सब किसके अंडर में आते हैं, मेल न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, तो अगर अपन किसी एक न्यूट्रिशन को जरूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तभी वो हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। ठीक है ना, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट पैकेट को ज़्यादा खा रहे हो तो वजन वगैरह बढ़ने लग जाएगा। ठीक है ना, तो जो मेल न्यूट्रिशन है उसको अपन थ्री टाइप से समझ सकते हैं। ठीक है, किसी एक न्यूट्रिशन को जरूरत से ज़्यादा लेना वो तो जाएगा आपके ओवर न्यूट्रिशन, किसी एक न्यूट्रिशन को बहुत कम लेना हो जाएगा आपके अंडर न्यूट्रिशन, और डिफिशियंसी बिल्कुल ही नहीं लेना, उस एक न्यूट्रिशन को उस डाइट में बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या लिखना है आपको, गेटिंग टू लिटिल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हमारा जो फूड है, हमारी जो बैलेंस डाइट है, उसके अंदर किसी एक न्यूट्रिएंट्स की या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन की बहुत कमी होना, बहुत कम लेना। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज नहीं लिया तो आपको कल ही मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा, आप कल मेल न्यूट्रिशन के अंडर में नहीं आएंगे, आप बहुत टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से उस एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन को अपने फूड में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो तब वो कंडीशन आपकी क्या होगी, मेल न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेटिंग टू लिटिल न्यूट्रिएंट्स। अब आपको इसके क्या बताने हैं, हार्मफुल इफेक्ट किसके बताने हैं, मेल न्यूट्रिशन के। तो देखिए हार्मफुल इफेक्ट में फर्स्ट क्या लिखेंगे, हेल्थ इश्यू, हमारी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, बीमारियाँ होती जाएगी, हम वीक हो जाएंगे। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका हार्मफुल इफेक्ट, आई प्रॉब्लम, आईज की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट डिजीज, हार्ट से रिलेवेंट डिजीज होने लग जाएगी। ठीक है, वीकनेस आ जाएगी, है ना, और किसी बॉडी के पार्ट में स्वेलिंग भी हो सकता है। ठीक है ना, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो एक्सेट्रा। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट में आप क्या क्या लिखेंगे, हेल्थ इश्यूज, आई प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी। आपको बताना है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से हमारी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है ना, तो आपको बताना, देखिए अपन ने जब प्रोटीन के बारे में पढ़ा था तब मैंने बताया था कि अगर हमारी डाइट के अंदर, हमारे फूड के अंदर प्रोटीन की काफ़ी टाइम से डिफिशियंसी रहती है, काफ़ी लंबे टाइम से हम हमारे फूड में प्रोटीन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से अपन ने टू डिजिट पढ़ी थी, कौन कौन सी, क्वाशिकोर एंड मेरास मास, पढ़ा था ना अपन ने प्रोटीन की डिफिशियंसी से। अभी आपको उनकी पूरी डिटेल नहीं लिखनी है, बस इसके कुछ सिम्टम्स बताने हैं आपको, बाकी मैंने आपको करवाया था क्वाशिकोर और मेरास मास, उसके आपको सिम्टम्स भी बताए थे। ठीक है ना, वो आपको वापस अच्छे से पढ़ना है। अभी आपको यहाँ पर क्या लिखना है, स्वेलिंग, बॉडी के किसी एक पार्ट में स्वेलिंग आ जाना, और अपन ने देखा था जनरली स्वेलिंग कहाँ आ रही थी, बच्चों के स्टमक में आ रही थी ना, स्टमक में क्या आ रही थी, स्वेलिंग हो रही थी, फैटी लीवर और स्टेम ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर और हड्डियों
उनके फ्रैक्चर होने का रिस्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या लिखेंगे? प्रोटीन की डिफिशियंसी में एक तो स्वेलिंग, फैटी लीवर, स्टंट ग्रोथ इन चिल्ड्रन, रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर। और ये जो स्वेलिंग है वो जनरली कब और कौन से ऑर्गन में आती है? स्टमक में। बॉडी के कौन से पार्ट में देखी जाती है? स्टमक में। और अपन ने तो प्रोटीन की डिफिशियंसी की टू डिजीज भी आराम से देखी थी। आप चाहें तो वो दोनों डिजीज कौन कौन सी? क्वाशिकोर और मेराज, में उसको लिख के फिर उनके सिम्टम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन करेंगे लॉन्ग आंसर। देखिए लॉन्ग का फर्स्ट आंसर क्या है? व्हाट आर द रोल ऑफ, आपको इन सबके रोल बता दें। किस किस के? कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, प्रोटीन के, विटामिन के और मिनरल्स के। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। मैंने आपको जब चैप्टर रीड कराया था तो उसमें मैंने आपको नोट्स बनवाए थे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि ये एनर्जी का क्या है, सोर्स है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको 1-1 पॉइंट लिखना है वहाँ से, जो मैंने आपको बताया था ना बेनिफिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब के आपको मैंने बेनिफिट्स करवा रखे हैं 5-5। उन बेनिफिट्स में से आपको इन सब के, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, मिनरल का, विटामिन का, एक एक बेनिफिट लिखना है और ये आपको सेल्फ करना है। जो मैंने नोट्स करवा रखे ना प्रीवियस वीडियो में, उनसे देखकर आपको इनका 1-1 बेनिफिट से सेल्फ करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड। आपको बताना है कि प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, गिव एग्जांपल और इसके एग्जांपल भी बताना है। तो देखिए लॉन्ग के सेक्शन में प्रोटेक्टिव फूड में आप क्या लिखेंगे? फूड विच इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ऐसा फूड जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या क्या हो, विटामिन और मिनरल, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव फूड। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसीलिए जब हम कहीं बीमार हो जाते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर हमें क्या एडवाइस देता है? हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। ठीक है ना, तो प्रोटेक्टिव फूड क्या क्या हो जाएगा? ऐसा फूड जो रिच है किसके अंदर? विटामिन के अंदर, मिनरल्स के अंदर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डज आवर बॉडी नीड न्यूट्रिएंट्स फूड। हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स फूड की जरूरत क्यों होती है, मतलब पूरे न्यूट्रिएंट्स से फुलफिल जो फूड है उसकी जरूरत क्यों होती है? ऑल न्यूट्रिशन क्या क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब जो इक्वल क्वांटिटी में हो, अपने को ऐसे फूड की जरूरत क्यों होती है? तो टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। हमें क्यों होती है न्यूट्रिएंट्स फूड की जरूरत? हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज और बीमारी का रिस्क कम करने के लिए। ठीक है, तो हमें हेल्दी फूड की जरूरत क्यों होती है? एक तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और बीमारियों के रिस्क को कम करने के लिए। ये अपन ने लॉन्ग के 3rd तक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये सारा वर्क आपके प्रैक्टिकल में करना है और इनको अच्छे से लर्न भी करना है।